कॉमर्शियल यूनिट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई में पावर को मेजर करते हैं किलोवाट में, पावर को कहां मेजर करते हैं किलोवाट में, और टाइम को मेजर करते हैं आवर में। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किलोवाट आवर, ठीक है ना। कॉमर्शियल पर्पज में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। आया समझ में, क्या होता है किलोवाट आवर, बाकी सब आपको मालूम है, सब आपके सामने। ये था इलेक्ट्रिकल पावर, और जस्ट पहले वाला क्या था, हीट एनर्जी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये आप अच्छे से जान चुके हो कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को जो हाईली रेसिस्टिव है, अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आया समझ में, जिसका यूज हम हीटिंग अप्लायंसेस बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सारे आपको अप्लायंसेस बता चुका हूं मैं, क्लियर हो गया। ये था भैया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपको आखिरी में कुछ सर्किट्स के इंट्रो देना चाहता हूं। देखिए, जैसे हालांकि आप पहचानते होंगे ये किस चीज का सिंबल है, किस चीज का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है रजिस्टर का, किसका, रजिस्टर का। आगे देखिए, ये किस चीज का इंडिकेटर है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का, किसका है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं रियोस्टेट, क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट, ठीक है। ये किस चीज का सिंबल है, इसको बोलते हैं बल्ब या फिर फिलामेंट, बल्ब या फिर क्या, फिलामेंट, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, ओपन की, ओपन मतलब ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड की, क्लोज्ड मतलब ऑन, समझ में आ रहा है, ओपन की, क्लोज्ड की, रजिस्टर, बल्ब, वेरिएबल रजिस्टेंस, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ये इस तरीके के सर्किट है जो आपको काम आने वाले हैं ना। ये कभी कभी ऐसा, ये भी देखने को मिलना जरूरी नहीं है, ये कनेक्शन को बताता है, किसको बताता है, ये कनेक्शन को, वायर कनेक्शन बताता है ये इस तरीके से। और सब कुछ समझ में आ गया, ये चीजें आपको काम आएंगी, इसलिए पहले से। हाँ, बैटरी और सेल देख लीजिए, ठीक है ना। ये सेल है, ये प्लस और ये माइनस, अगर ऐसे बहुत सारे सेल अरेंज कर दें तो क्या बन जाती है, बैटरी। तो ये बैटरी है और ये क्या है, सेल। समझ में आ गया, क्या प्रॉब्लम बताइए, सेल, बैटरी, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टेंस, बल्ब, ओपन सर्किट, ओपन स्विच और क्या, क्लोज स्विच, या ओपन की या फिर क्लोज की, समझ में आ गया। ये भैया आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको रजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल बता दिए हैं, और मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बताने वाला हूँ। आप इसको फटाक से छाप लीजिए, फिर इसके आगे कहानी बताते हैं, छापिए इसको।